हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आंट इज मूविंग अलोंग द वेक्टर एल वन, फ्यू शुगर क्रिस्टल्स आर केप्ट अलोंग द वेक्टर एल टू, विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द वेक्टर एल वन। फाइंड द एंगल थीटा, ऑल्सो फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ एल वन ऑन एल टू। क्या कह रहे हैं वो देखिए, ठीक है, सपोज ये है हमारा ओ, ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा बी, ठीक है, ये है हमारा एल वन वैक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ठीक है, ये क्या है आंट इज मूविंग, यहाँ पे हमारी जो आंट है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, और ये क्या है हमारा L2 जो कि कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या रखे हैं कुछ शुगर के क्रिस्टल्स, ठीक है, ये क्या है शुगर क्रिस्टल्स, ठीक है, और जो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है वो क्या बन रहा है थीटा, क्या बन रहा है थीटा, ठीक है, तो अब हमें कैसे क्या बताना है देखिए, लेट आर्ट इज मूविंग मूविंग अलोंग ओ ए दैट इज एल वन वैक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ठीक है, एंड शुगर शुगर इज शुगर क्रिस्टल्स इज अलोंग ओ बी दैट इज एल टू इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर L1 एंड L2, ये चीज़ हमें क्या है गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, जो अभी हमें किसी बोर्ड के लिए कोई पेपर अटेम्प्ट करना होता है तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें तो जो दे रखी है उसी को दोबारा लिखना होता है, क्यों लिखना होता है क्योंकि वो हमारे अटेम्प्टेशन के अंडर आते हैं, ठीक है, देखिए गिवन है ये सारी चीज़ें बट हमने एग्जामिनर को ये सब बताना है कि हमें क्या समझ आया है और क्या है इसमें, इस तरीके से फिगर बना दी, ठीक है, अब देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज, देखिए स्टूडेंट्स L1 डॉट L2, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है L1 का मैग्नीट्यूड इनटू L2 का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है L1 एंड L2 ये क्या है आर मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो अब देखिए L1 डॉट L2 इज इक्वल टू L1 का मैग्नीट्यूड इनटू L2 का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। अब देखिए L1 डॉट L2 निकालते हैं हम पहले, वो क्या आ जाएगा I कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप इंटू थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, दैट इज वन इंटू थ्री आई कैप प्लस माइनस टू जे कैप प्लस थ्री इंटू वन के कैप, दैट इज थ्री आई कैप माइनस टू फोर प्लस फोर जे कैप प्लस थ्री के कैप, तो ये क्या आ गया हमारा L1 डॉट L2, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया L1 डॉट L2, ठीक है, तो उसके सॉरी 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 आई नहीं आएगा बच्चे, ठीक है, चार तीन सात और तीन दस, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया L1 डॉट L2, ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है L1 का
मैग्नीट्यूड। एल वन का मैग्नीट्यूड हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, आई का कंपोनेंट क्या है, वन का स्क्वायर, प्लस जे का कंपोनेंट माइनस टू का स्क्वायर, प्लस के का कंपोनेंट थ्री का स्क्वायर, इस सारे का अंडर रूट, जो कि किसके इक्वल आ गया, वन प्लस फोर प्लस नाइन इक्वल टू रूट फोर्टीन। उसी तरीके से हम एल टू का क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। एल टू कहाँ है, कहाँ गया एल टू, ये रहा, ठीक है, दैट इज थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, दैट इज नाइन प्लस फोर प्लस वन इक्वल टू रूट फोर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने निकाल लिया सारा, एल वन डॉट एल टू इक्वल टू इतना, एल वन का मैग्नीट्यूड एल टू का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से देखिए, एल वन डॉट एल टू इज इक्वल टू एल वन का मैग्नीट्यूड एल टू का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। एल वन कितना है, एल वन डॉट एल टू टेन इक्वल टू रूट फोर्टीन इंटू रूट फोर्टीन इंटू कोस थीटा, टेन इक्वल टू फोर्टीन कोस थीटा, टेन बाई फोर्टीन इक्वल टू कोस थीटा, फाइव बाई सेवन इक्वल टू कोस थीटा, और यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ फाइव बाई सेवन, और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये तो हमने क्या था, थीटा निकाल लिया। उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑल्सो फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ एल टू ऑन एल वन। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन हमारा क्या होता है, देखिए प्रोजेक्शन हमारा होता है जो ये होगा, जो ये होगा ना, ये होता है हमारा प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन हम कैसे निकालेंगे, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है बट चलिए कोई ना, क्या निकालना है हमें, प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2। हमें जो प्रोजेक्शन निकालना है वो किसका निकालना है, L1 का, और किस पे निकालना है, L2 पे, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकाल लेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा, देखिए जो हमारा L1 का मैग्नीट्यूड है, सॉरी वेक्टर है, और L2 का वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर हमने निकालना है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए L1 डॉट L2 हमने निकाला था 10, और L2 का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था रूट 40, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, स्केलर प्रोजेक्शन, देयरफॉर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2 इज 10 बाय रूट 14 आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने क्या करना होता है, निकालना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,